नमस्ते दोस्तों, आज अपन बात करेंगे टिकटॉक बैन क्यों होना चाहिए, इंडिया में टिकटॉक बैन क्यों होना चाहिए। उसका मेन रीजन है कि वो चाइना का है, वो तो है जरूर, पर उससे बड़े बड़े रीजन है कि टिकटॉक बैन होना चाहिए। आपको पता है जो व्यक्ति टिकटॉक का अकाउंट बनाता है उस व्यक्ति के बारे में टिकटॉक को हर चीज की जानकारी रहती है। हर चीज की समझते, हर चीज की मतलब फेसबुक की, ट्विटर की, यूट्यूब की, इंस्टा की, आपके बैंक अकाउंट की, आपकी नेट बैंकिंग की, आपके क्रेडिट कार्ड की, आपकी हर चीज की टिकटॉक को जानकारी रहती है। आपके फेसबुक आईडी में कितने लोग हैं, आपके व्हाट्सअप में कितने लोग हैं, आप व्हाट्सअप से कितने लोगों से बात करते हो, आपके मोबाइल नंबर में कितने नंबर सेव हैं, आप किस किस से बात करते हो, किस किस के नंबर क्या है, उसको हर चीज की जानकारी रहती है और वो डाटा स्टोर करके अपने पास रखता है। दूसरी बात यह है कि चीन जो टिकटॉक है वो चीन का ऐप है, तो चीन के प्रति तो उसकी संवेदनता अच्छी होगी, मतलब चीन से संबंध उसके अच्छे होंगे ना। तो चीन में कानून है कि जब भी चीन को लगेगा कि किसी फलाना देश के लोग हमारे खिलाफ कोई रणनीति कर रहे हैं और उस देश में अगर चीन का कोई भी एप्लीकेशन वहां पर है तो वो एप्लीकेशन या ऐप को वो आदेश देगा कि उस एप को आदेश देगा और बोलेगा कि आपके जितने भी वहां पे बंदे हैं, जो आपका यूजर है, यूजर बेस है, उन सबका डाटा हमें चाहिए। वो चीन उस ऐप को चीन को देना पड़ेगा डाटा, चीनी सरकार को देना पड़ेगा डाटा। अगर नहीं देगा ना तो चीनी सरकार उस पर एक्शन लेगी और वहां का कानून यही कहता है कि वहां कानून बना भी इसलिए है, ऐसे ही कानून बना हुआ है कि अगर आप कोई भी है तो आपको डाटा देना पड़ेगा और उस डाटे को लेके चीन उस देश के ऊपर साइबर अटैक करेगा। समझ रहे हो ना, साइबर अटैक करेगा। तो और चीन का भी आपको बता दूं, चीन में कभी व्हाट्सएप यूज नहीं होता है, चीन में फेसबुक यूज नहीं होता है, चीन में खुद कोई से ब्राउजर यूज नहीं होता, उन्होंने खुद का ही अपना एक बना रखा है कि उनका खुद का वीचैट है ना, खुद का ही उनका ब्राउजर है, खुद का ही फेसबुक सारी का एक ऐप बना हुआ है, एप्लीकेशन बना रखी है। वो अपने देश की जानकारी बाहर के लोगों को नहीं देते, समझ रहे हो ना, और बाहर के देश की जानकारी अपने देश में पूरी स्टोर करके रख लेते हैं। पर टिकटॉक बोलता है कि हम ऐसे आपकी जो जानकारी हम किसी को देंगे नहीं। पर आपको पता है अमेरिका ने 5.7 मिलियन डॉलर का, यूएस डॉलर का फाइन लगाया था टिकटॉक के ऊपर, इसी चक्कर में कि वो उनका जो यूजर बेस है, जो अमेरिका का यूजर बेस है, जो यूजर्स हैं, उनका डाटा लीक कर रहा था, उनके देश को दे रहा था, समझ रहे ना। और अमेरिका ने तो टिकटॉक के ऊपर, उनकी आर्मी ने, अमेरिका की जो आर्मी है ना, उनने टिकटॉक के ऊपर बैन लगा रखा है कि जो उनका आर्मी का बंदा है कोई भी टिकटॉक नहीं चलाएगा, इससे उनकी लोकेशन के बारे में पता चल जाता है, उनके बारे में जानकारी जाएगी। इसलिए जो भी आर्मी का बंदा वो टिकटॉक इंस्टॉल नहीं कर सकता वहां पे यूएसए में। और ऐसे इंडोनेशिया में भी है, इंडोनेशिया ने भी टिकटॉक को बिल्कुल तरीके से बंद कर रखा है, बैन कर रखा है। तो अब ये तो रीजन ही सही, इसको हटा देना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर बहुत ही खराब कंटेंट वायरल होता है और अच्छा कंटेंट वायरल नहीं होता है ना। टिकटॉक पे जो अच्छा कंटेंट होता है उसको दबा दिया जाता है, जो वायरल कंटेंट होता है उसको उजागर वायरल 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 कंटेंट कर देते हैं उसको बिल्कुल तरीके से। तो टिकटॉक इंस्टॉल करना पड़ेगा। टिकटॉक का सबसे बड़ा जो यूजर्स बेस है वो है इंडिया, इंडिया। अगर जिस दिन भी लगेगा चीन को कि हमको इंडिया पे हमला करना है ना, तो वो कहीं नहीं आएगा, टिकटॉक के पास जाएगा, टिकटॉक को बोलेगा कि आप सारी जानकारी इंडिया के लोगों की हमको दो और हम वो जानकारी लेके अपन पे हमला कर सकता है। तो मेन जो रीजन है ना टिकटॉक को हटाने का, वो यही रीजन है कि टिकटॉक को बैन कर दिया जाए, पूरी तरीके से बैन कर दिया जाए। ऐसा नहीं है कि इंस्टॉल करने के बाद उसकी जानकारी अपने उसके पास नहीं रहेगी, रहेगी। और ऐसे बहुत सारे ऐप हैं जो अपनी जानकारी स्टोर करते हैं, वो सब चाइना के ही हैं। और भी इन बाकी के ऐपों के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा, पर इससे पहले टिकटॉक की बात करते हैं। और इस टिकटॉक को बिल्कुल हमें सही तरीके से बैन कराना होगा, हमें लगे रहना होगा इसको बैन, इसकी रेटिंग कम करने से कुछ नहीं होगा, इसको पूरी तरीके से बैन कराना ही होगा और हमें बैन करना ही होगा। अगर आपके फोन में टिकटॉक है तो आप उसको पहली फुर्सत में ही अनइंस्टॉल कर दे।
और अपने फोन में से जितने भी चाइनीज ऐप है सब अनइंस्टॉल कर दे, जितने भी चाइनीज ऐप सब इंस्टॉल कर दे। बस आज के लिए इतना ही, बाकी मैं आपको कल बताऊंगा, कल और नया वीडियो लेके आऊंगा चाइनीज ऐपों के बारे में। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।